में संभावित विकास में बैंकों की अग्रणी भूमिका को देखते हुए इनके समग्र उपयोगिता के मुद्दे पर राजधानी रांची के बीएनआर होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस बैठक में राज्य के आला अधिकारियों के अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए हमारी रिपोर्ट। सत्रह सितंबर को रांची में गरीब कल्याण मेले का आयोजन होने वाला है, जिसके मद्देनजर बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मुद्रा योजना या अन्य योजनाओं से जुड़े बैंक लाभुकों के समस्याओं का उपाय कैंप में ही निकाला जाएगा। वहीं शिक्षा के मामले में राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ की क्रेडिट गारंटी की बात की गई, ताकि पैसे के अभाव में किसी छात्र छात्रा की पढ़ाई ना छूटे। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की बात भी कही गई, जिसमें बस के लिए लोन तो बैंक देगी, वहीं रूट और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कागजात राज्य परिवहन विभाग देगा। तात्कालिक रूप से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि 17 सितंबर को यानी 4 हफ्ते बाद रांची में गरीब कल्याण मेला का आयोजन हो रहा है, तो उसमें जो भी बैंक हैं मुद्रा योजना से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उन सब का निष्पादन करके वहाँ पर कैंप में ही बेनिफिशियरीज को लाभ पहुँचा। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा ऋण, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रा हैं, राज्य सरकार ने 50 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी है अलग से शिक्षा ऋण के लिए, तो कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा शिक्षा ऋण के अभाव में या वित्तीय संसाधन के अभाव में कॉलेज की पढ़ाई न छोड़े, इसके लिए ऋण की व्यवस्था, शिक्षा ऋण की व्यवस्था है। कर्ज वसूली के मामले में बड़े कर्जदारों पर निशाना साधा गया। इस मामले में उपायुक्त से मिलकर बड़े कर्जदारों की लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया, ताकि उनसे बकाया रकम की वसूली हो सके। वहीं 5 और 10 रुपए के सिक्कों के मुद्दे पर बात करते हुए ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई सिक्कों के प्रचलन मामले में उल्लंघन करता है तो पकड़े जाने पर आरबीआई उस पर उचित कार्रवाई करेगा। तो फिगर्स हैं कि 309 करोड़ के बड़े डिफॉल्टर्स पर एक सराफेसी एक्ट होता है वसूली के लिए, उसमें आदेश निर्गत हैं, लेकिन अभी तक अटैचमेंट केवल 24 करोड़ का ही हुआ है। तो हम लोगों ने यह आग्रह किया है कि डीसी से संपर्क करें। हम भी डीसी को निर्देश दे रहे हैं कि जो बड़े बकायेदार हैं, देखा जाता है प्रायः कि बैंक छोटे बकायेदारों के पीछे जा रहा है, कायदे से जो बड़े बकायेदार हैं 300 करोड़ का ऋण उनके ऊपर है, उनका अटैचमेंट किया जाए और वहां से वसूली की जाए। बैठक में मुख्यतः किसानों की आय को दुगना करना, किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में परिवर्तित करना और प्रधानमंत्री फसल योजना एवं अन्य योजनाओं से ऋणी किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ना आदि बातों पर निर्णय लिया गया। साथ ही साथ किसानों में ऋण संबंधी अफवाहों के भ्रम को बैंकों के जरिए बातचीत के जरिए कैसे दूर कराया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। हम लोगों ने आज जो ये SLBC की मीटिंग में बैंकर्स से आग्रह 3 किए हैं। एक तो कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये लक्ष्य किया है कि 2022 तक हम लोग को किसानों की आय दुगनी करनी है, तो वो किसानों की आय दुगनी होगी जब डेयरी में, फिशरी में और पोल्ट्री में, कृषि के अलावा इन तीनों में भी जो बैंक्स का टर्म लोन है वो भर सके। उसके लिए हम लोगों ने बैंक से कहा है कि वो टर्म लोन बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा किया है, लेकिन बाकी सब बैंक भी उसमें रुचि दिखाएं। दूसरा कि जो KCC हैं वो KCC कार्ड को, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उन KCC कार्ड को रुपए कार्ड में परिवर्तित करने के लिए अभी 85% के संग झारखंड अग्रणी राज्य है देश में, लेकिन हम लोग 100% के लिए टारगेट करें। राज्य के किसानों की आत्महत्या जैसे संजीदे मसले को लेकर सरकार अब कहीं न कहीं गंभीर होती नजर आ रही है, इसीलिए अब राज्य सरकार किसानों और बैंकों के बीच के संबंध को मधुर करने का प्रयास करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ कुंदन कृतिक की ओर, जो इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। कुंदन, आज राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक रही, कितनी अहम रही ये बैठक और किन किन विषयों पर इस पर चर्चा हुई? कुंदन,
देखिए अंकिता, मैं आपको बताऊं कि झारखंड पिछले महीने सुर्खियों में रहा था यहाँ पर रांची और इसके आसपास के इलाकों में किसानों की आत्महत्या को लेकर। इस मुद्दे के जुड़े हुए कई और मुद्दे थे जिनको लेकर बैंकर्स कमेटी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की आज एक अहम बैठक हुई जिसमें यहाँ के वरीय अधिकारियों में अमित खरे और पूजा सिंघल जी मौजूद रही। और इस आज की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और कई आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी हुई कई निर्णय लिए गए, जिसमें पहला निर्णय आप कह सकें कि अभी तक बैंकों के द्वारा सीधे कृषि से जुड़े हुए रोजगार के लिए ही ऋण प्रदान किया जाता था बैंकों के द्वारा, लेकिन आज की बैठक में कृषि संरचना से इतर तीन अलग अलग विभागों के लिए भी बैंकों द्वारा ऋण देने की मंजूरी मिली है, जिसमें पोल्ट्री आता है, डेयरी है और फिशरी है, मछली पालन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए और इसके अलावा एक और जो है उसके लिए बैंकों ने कृषि क्षेत्र में ऋण देने की बात कही है। इसके साथ एक अहम बैठक में आज शिक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार 50 करोड़ की गारंटी देगा बैंकों को, और जिसके साथ झारखंड के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के छात्रों को पढ़ने में उन्हें शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा और जिसकी गारंटी राज्य सरकार लेगा 50 करोड़ रुपयों के साथ। इसके अलावा नोटबंदी के बाद झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सिक्कों के प्रचलन को लेकर काफी अफवाहें फैली थी कि सिक्के बंद हो गए हैं, सिक्कों की मंजूरी नहीं है, इसको लेकर आज आरबीआई के साथ साथ सभी बैंकों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि इस संबंध में जनता तक यह संदेश पहुंचाएं कि सिक्कों के प्रचलन में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के प्रचलन में कहीं से कोई रोक नहीं है। इसके अलावा एक अहम निर्णय यह लिया गया कि ग्रामीण इलाकों में बैंकों के द्वारा बस चलाने के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिसमें राज्य का परिवहन विभाग और बैंकों के बीच में एक तालमेल के साथ यह ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिसमें परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करना और रूट लाइसेंस निर्गत करने का काम परिवहन विभाग करेगा और इच्छुक व्यक्तियों को बैंक बस चलाने के लिए ऋण मुहैया कराएंगे, जिसमें लगभग 300 रूट पर चर्चा हुई कि 300 रूट पर ऐसे ग्रामीण इलाकों में बसें चलाई जाएंगी। इन तमाम निर्णयों के अलावा एक किसान क्रेडिट कार्ड जो अभी किसानों को बैंकों के द्वारा लोन के लिए दिया जाता था, इन केसीसी को रुपए कार्ड में कन्वर्ट कराने के लिए, रुपए कार्ड का एक सबसे अहम बिंदु है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि केसीसी कार्ड जब बैंकों के द्वारा किसी कृषक को या किसान मित्र को दिया जाता है तो उस केसीसी कार्ड से वो केवल और केवल उसी बैंक के जरिए रुपयों की निकासी कर सकते थे, लेकिन अगर उनके केसीसी कार्ड को रुपए कार्ड में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस रुपए कार्ड के जरिए वो किसी भी बैंक से रुपयों की निकासी कर सकते हैं। तो ये सारे अहम फैसले आज की एसएलबीसी में ली गई है। जी अंकिता, कुंदन कहीं ना कहीं मतलब छात्रों के लिए ये जो बैठक है काफी अच्छी रही, लेकिन किसानों के लिए कुछ खास नजर नहीं आया इसमें कुंदन? देखिए, छात्रों की बात करें तो छात्रों के शिक्षा ऋण के लिए इस बैठक में निर्णय लिया गया, लेकिन अगर कृषकों की बात करें, किसानों की बात करें, तो किसानों के लिए मुख्यतः जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो किसान संबंधित निर्णय हैं या ग्रामीण इलाकों के लोगों के उनके आगे विकास के लिए ये निर्णय लिए गए हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर आप ये कह सकते हैं कि किसानों को बैंकों के द्वारा आने वाले समय में, क्योंकि इस मीटिंग में एक चर्चा यह भी हुई थी कि आए दिन जो किसानों ने बैंक के लोन के रिकवरी के दबाव में आकर आत्महत्या की थी, तो बैंकों ने स्पष्ट किया कि 309 करोड़ रुपए का ऋण यहां पर किसानों के पास है, जो सरफेसी एक्ट के तहत उनसे रिकवरी की बात कही गई है, और उसमें मात्र अभी तक 22 करोड़ रुपए ही रिकवर हो पाए हैं। तो बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि छोटे सीमांत किसानों को छोड़कर बड़े किसान जिनके पास पैसों की कमी नहीं है उनसे पहले रिकवरी की बात की जाए, और ग्रामीण इलाकों में जितने भी किसान ऋण से अपनी कमाई और खेती कर रहे हैं उन तक यह संदेश दिया जाए कि उनके साथ बैंक कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करने जा रहा है। यह राज्य सरकार की तरफ से बैंकों के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश किसानों तक दिया गया। अंकिता, चलिए कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो ये बैठक थी बहुत अहम रही, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, कई सारे फायदों की बात हुई। चलिए बढ़ेंगे आगे।